नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत की जनसंख्या 2022 में करीब 130 करोड़ के आसपास है। दुनिया के दूसरे देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उन टॉप 10 देशों के बारे में जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 10, कुवैत। वेस्टर्न एशिया का देश कुवैत इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी वाले देश कुवैत की पॉपुलेशन लगभग 48 लाख के आसपास है। यहाँ पर ऑफिशियली इंडियंस की पॉपुलेशन लगभग 9,30,000 है, जो कुवैत की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% हिस्सा है। नंबर 9, कनाडा। नॉर्थ अमेरिका का देश कनाडा इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन लगभग 3,80,00,000 से ज्यादा होगी। यहाँ की ऑफिशियली इंडियन पॉपुलेशन लगभग 10,20,000 के आसपास है, जो कनाडा की आबादी का लगभग 3% से कम हिस्सा है। नंबर 8, साउथ अफ्रीका। अपने हीरे और सोने की खानों के लिए मशहूर साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ के आसपास होगी। महात्मा गांधी की सबसे पहली कर्म भूमि रहे इस देश में इंडियंस अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। यहाँ इंडियंस की टोटल पॉपुलेशन लगभग 15,60,000 है, जो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 2.6% हिस्सा है। नंबर 7, श्रीलंका। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर श्रीलंका है। बहुत पुराने समय से श्रीलंका और इंडिया का गहरा रिश्ता रहा है। हिंद महासागर में मौजूद द्वीपीय देश की टोटल पॉपुलेशन लगभग 2,13,00,000 के आसपास होगी, जिसमें से इंडियन की पॉपुलेशन लगभग 16,10,000 है, जो श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 7.3% हिस्सा है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। यानी यूनाइटेड किंगडम का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले लंदन ब्रिज एक्सेट्रा की तस्वीरें उभर आती हैं। एक समय में लगभग पूरी दुनिया पे राज कर चुके इस देश की पॉपुलेशन लगभग 6,80,00,000 के करीब होगी, जिसमें इंडियंस की पॉपुलेशन लगभग 18,30,000 है। अगर बात करें परसेंटेज की, तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन में इंडियंस की पॉपुलेशन लगभग 2.7% है। नंबर 5, म्यांमार। अपने खूबसूरत पैगोडाओं और नेचर ब्यूटी के लिए पूरे देश में मशहूर म्यांमार में लगभग 3.85% इंडियन पॉपुलेशन है। साउथ ईस्ट एशिया में देश म्यांमार की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5,40,00,000 के आसपास होगी, जिनमें इंडियंस की पॉपुलेशन 20,80,000 के करीब होगी। नंबर 4, सऊदी अरब। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर मौजूद है। अपने हद से ज्यादा सख्त कानून के लिए पूरी दुनिया में मशहूर सऊदी अरब वेस्टर्न एशिया के इस देश की टोटल पॉपुलेशन 3,56,00,000 से ज्यादा होगी। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ 21% लोग ही सऊदी अरब के मूल निवासी हैं। बाकी 79% लोग यहां रोजगार की तलाश में दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं। सऊदी अरब में इंडियंस की पॉपुलेशन लगभग 28,00,000 से ज्यादा होगी, जो यहाँ मौजूद पॉपुलेशन का लगभग 8% हिस्सा है। नंबर 3, मलेशिया। दुनिया के पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश मलेशिया इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है। मलेशिया की टोटल पॉपुलेशन 3,30,00,000 के करीब होगी, जिसमें इंडियंस की पॉपुलेशन लगभग 30,00,000 तक हो सकती है। इस तरह देखा जाए तो मलेशिया में इंडिया की पॉपुलेशन का करीब 9% हिस्सा रहता है। नंबर 2, यूनाइटेड अरब अमीरात। जब ये यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE का नाम लिया जाता है, तो हमारे जहन में दुबई, शारजा और अबू धाबी जैसे शहरों की तस्वीर उभर आती है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इसी देश में है। UAE की पॉपुलेशन लगभग 90,00,000 से ज्यादा होगी। यहाँ इंडियन पॉपुलेशन लगभग 30,00,000 से ज्यादा है। ओवरऑल पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो UAE की लगभग 31% इंडियन पॉपुलेशन है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इस लिस्ट में नंबर 1 पर दुनिया का सबसे पावरफुल देश कहे जाने वाला यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन लगभग 33,36,00,000 है, जिसमें इंडियन पॉपुलेशन करीब 44,60,000 है। इस तरह देखा जाए तो अमेरिका में इंडियन की पॉपुलेशन महज 1.35% के आसपास होगी। तो दोस्तों, ये तो थी उन देशों की लिस्ट जहां बड़ी संख्या में इंडिया के लोग रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चाहे वह पहली बार है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।